चैप्टर 6 यानी कि पाठ 6 स्वस्थ तन। स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ का अर्थ है स्वस्थ, तन का अर्थ है शरीर, सुखी जीवन, सुखी जीवन का अर्थ है सुखी जीवन। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका जीवन कैसा है? सुखी है। ठीक है, अब इसमें आपको जो शरीर के बारे में बताया गया है कि आपको साफ सफाई रखनी है, यानी कहीं भी बाहर जाकर के आते हो तो साबुन से हाथ धोने हैं, और आपको कपड़े भी साफ सुथरे पहनने हैं, आपके आसपास गंदगी है उसको भी साफ रखना है, तभी आप क्या रह सकते हो? स्वस्थ रह सकते हो। और आप स्वस्थ हो तभी आपका जीवन कैसा होता है? सुखी होता है। अब देखो आप प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफाई और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है, सफाई और स्वास्थ्य के बारे में बताया है। गंदगी के कारण कीटाणु कपड़ों में घुस जाते हैं, जो गंदगी होती है उसके कारण कीटाणु कहाँ घुस जाते हैं? कपड़ों में घुस जाते हैं। शौच के बाद यानी कि शौचालय जाने के बाद हाथों को साबुन से धोना चाहिए, हाथों को साबुन से क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। धोते हो ना आप सब लोग? सफाई से करने से कीटाणु धुल जाते हैं, यानी कि अच्छे से साबुन से हाथ धोने से और सफाई रखने से कीटाणु क्या होते हैं? धुल जाते हैं। अपने घर को भी हमें साफ रखना चाहिए, जो आपका घर है उसको भी आपको क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। ठीक है, नालियों में कीचड़ न जमने दे, जो आपके आसपास नालियां हैं उनमें भी हमें क्या नहीं जमने देनी है? कीचड़ यानी कि गंदगी नहीं बढ़ानी है। उसमें कीटाणु उत्पन्न होते हैं, कि उसमें क्या होते हैं? कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। खुली धूप तथा ताज़ा हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, यानी कि जो खुली धूप है और ताज़ा हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? वो जरूरी है। हमें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, हमारा भोजन यानी कि जो हमारा आहार है वो कैसा होना चाहिए? पौष्टिक होना चाहिए, तभी हम क्या रह सकते हैं? स्वस्थ रह सकते हैं। खेलना भी जरूरी है, खेलने से शारीरिक व्यायाम होता है, जो अगर आप खेलोगे तो खेलने से क्या होता है? शारीरिक व्यायाम हो जाता है। खुश रहने से स्वास्थ्य बना रहता है, आप अपने आप को खुश मिजाज मानते हो तो आपका शरीर कैसा रहता है? स्वस्थ रहता है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कि हमें कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो उससे हमें क्या नहीं करनी चाहिए? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें चिंता और गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, भाई कोई काम है तो करना तो पड़ेगा, इसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। अब देखो स्टोरी, शाम हो गई, शाम हो गई, दादाजी चौके में मुड्डे पर बैठकर, यानी कि शाम का समय था और दादाजी चौके में मुड्डे पर बैठकर, जो चौके के मुड्डा था उस पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, कि बच्चों को बुला रहे थे, अपने पास बुला रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल में गेम पर डटे थे। आप लोग भी ऐसा ही करते हो ना, कि शाम के टाइम आपके दादाजी मम्मी पापा एक्स वाई जेड जो कोई भी है आपको बोलता है कि बाहर आ जाओ, बाहर आके पढ़ो, कुछ भी करो, तो आप क्या कर रहे थे? यानी कि मोबाइल को नहीं छोड़ते। ठीक है, तो मगर बच्चे तो मोबाइल पर डटे थे, यानी कि मोबाइल से दूर ही नहीं हो रहे थे, डटे हुए थे। आखिरी सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, जो सुषमा कौन है? उन बच्चों की माँ है, उन्होंने बच्चों के बीच में जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, कि जो आप जो गेम खेल रहे हो उन खेलों से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दादाजी के साथ, जो आपके दादाजी हैं उनके साथ बैठो, दो बात काम की सीखोगे, कि आपके जो दादाजी हैं उनके साथ बैठो, वो आप उनके साथ बैठने से काम की बात सीखोगे, कि दादाजी कुछ ना कुछ स्टोरी या कोई ना कोई ऐसी बात तो बताएंगे जो आपके काम आने वाली है। तोशी बिट्टू हनी तीनों बाहर चले गए, इन बच्चों के नाम है, जो तीन बच्चे हैं उनके नाम क्या है? तोशी बिट्टू हनी तीनों बाहर
अब देखो बाहर आकर के क्या होता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। कि क्या बोलते हैं बच्चे कि हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है, कल भी तो कहानियों, यानी कि दादाजी की हर बात पते की है, कल भी कहानियों में कितनी अच्छी बातें, यानी कि कल बैठे तो उनके दादाजी के पास, तो दादाजी ने उनको कहानियाँ सुनाई, तो कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, यानी कि कल उनके दादाजी ने उनको स्टोरी सुनाई थी और उस स्टोरी में उनको बहुत अच्छी बातें समझाई थी। तोशी ने कहा और फिर उसके साथ, यानी किसने कहा, जो तोशी थी उसने कहा और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास, कि जो तीनों बच्चे थे कौन से थे, तोशी बिट्टू रानी दादाजी के पास जाकर बैठ गए, दादाजी के पास जाकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे, यानी कि वो क्या हुए, वो तो आकर बैठे और उनके साथ ही किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु, यानी कि हनी तोशी और बिट्टू तो सुषमा के बेटे हैं और जो उनके किराएदार हैं उनके बेटे कौन है, खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, यानी कि जो अनु और खुशी आकर बैठे थे उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी यानी कि पैर भी क्या थे, गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी ने, यानी कि खुशी और अनु को देखते ही दादाजी ने बोहें ऐनक से फेरी, यानी कि जो उनकी जो बोहें थी आंखों के ऊपर की बोहें थी उनको उन्होंने ऐसे फेरी, देखो जैसे मैं फेरी हूँ ना ऐसे फेरी उन्होंने, और कैसे देखा उनको, देखो बोहें ऐनक से फेरी बाहर तक नहीं गई, यानी कि जो बोहे थी वो उनकी बाहर तक भी नहीं गई, ये बोहे थी उनको उन्होंने ऐसे फेरा और फिर भी वो क्या नहीं गई, बाहर तक नहीं गई, यानी कि उनको देखा। अब देखो क्या हुआ फिर आगे, वे कहने लगे बुरी बात है गंदगी, यानी कि वे दादाजी कहने लगे कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई, कि गंदगी रखना बुरी बात है और अच्छी बात क्या है, सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है, अगर हम गंदगी रखेंगे तो गंदगी क्या करती है, हमें बीमारी लाती है और सफाई हमें क्या करती है, बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु को देखा, किसको देखा, बच्चों ने खुशी और अनु को देखा, तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे, कि बच्चों ने किसको देखा, खुशी को और अनु को देखा, तब तक वो क्या कर चुके थे, हाथ पांव धोकर आ चुके थे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, किसने शाबाशी दी, दादाजी ने शाबाशी दी और दादाजी बोले, साफ सफाई रखो, क्या रखो, साफ सफाई रखो। भाई अच्छी तबीयत हो, या कि साफ सफाई रखो और अच्छी तबीयत हो, उसके लिए साफ स्वच्छ रहना, यानी कि उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण भी साफ सुथरा रखना चाहिए, कि वातावरण भी कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें, यानी कि तंदुरुस्त का अर्थ है स्वस्थ, तंदुरुस्त का अर्थ क्या होता है, जो तंदुरुस्त है उसका अर्थ क्या होता है, तंदुरुस्त का अर्थ क्या होता है, स्वस्थ। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ, यानी सब कुछ अच्छा लगता है, कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें क्या लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। हंसने और हंसाने, यानी कि हंसने और हंसाने का मन करता है, करता है नहीं करता, जब आप स्वस्थ होते हो आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो हंसना और हंसाने का मन करता है, रात को अच्छी नींद आती है, आपकी तबीयत ठीक है आपका शरीर ठीक है तो आपको रात को अच्छी नींद आती है, और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, सुबह क्या करते हैं, तरोताज़ा उठते हैं, और हर काम फटाफट, आप खुश हो
स्वस्थ हो तो आप हर काम क्या करते हो, फटाफट करते हो। आलस्य हमारे पास नहीं फटकता है, जो आलस्य है वो हमारे पास क्या नहीं करता है, फटकता है, यानी कि हमारा आलस्य आसपास हमारे आसपास नहीं आता है। ठीक है, आपका ये चैप्टर ये यहाँ तक कंप्लीट, सेकंड पैराग्राफ तक, और कल आपको थर्ड पैराग्राफ पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, आपको ये चैप्टर जो 6th चैप्टर है पेज नंबर 29 पर आपको आपकी बुक में से एक बार रीडिंग लगानी है। ठीक है।